प्रावधानी भूमकुंड और समर्पित हो रहा है, समर्पित करते हैं हम उत्तराखंड। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल में। और मैंने अभी अपने इस ट्रिप में से थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए, ट्रिप के व्लॉग्स में से थोड़ा ब्रेक लेते हुए अभी ये व्लॉग अपलोड किया है कि ये व्लॉग कुछ खास था। ये हमारे उत्तराखंड दिवस का और हमारे उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो गए 9 नवंबर को, तो उस पर आज हमारे हाईकोर्ट में भी गोष्ठी थी और फूड फेस्टिवल था और शाम को भी प्रोग्राम था कोर्ट में, वो मैंने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए। ये पिछले साल आप सभी लोगों को एक धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के सभी के सहयोग से हम एक मुकाम तक पहुंचे हैं और कोर्ट में हमने उस प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया 30 साल और हमारे साथ खाली जो चाहे सर है, मूल सर है, इन सभी ने जी जान लगाया, एक संघर्ष किया और संघर्ष के बाद हमें इतना खूबसूरत राज्य मिला। उत्तराखंड कहने में हमें बड़ा प्राउड फील होता है। इसी क्रम में मैं उत्तराखंड राज्य अब हमारा स्थापना दिवस है, मैं श्री नवनीत देवी जी से कहना चाहता हूँ कि सर खाली है। हमारी ये समझदारी थी जब उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही थी कि इस प्रदेश का जो पहाड़ी समाज है, पहाड़ी जनमानस है, उसको अपने गाँव के इर्द गिर्द और उसके समाजों के इर्द गिर्द उसके रोजी रोटी का कुछ संसाधन उपलब्ध होंगे, वहाँ इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश होंगी, इंडस्ट्रीज नहीं स्टेब्लिश होंगी तो कम से कम जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस होंगे, सरकार के सरकारी प्रतिष्ठान उन पहाड़ों में होंगे और उनके वहाँ रहने से कम विकास की जोड़ता हुआ पहाड़ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सब कुछ ऐसा हो नहीं पाया और उस सब चीज को हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, उसमें सरकारें कितनी भागीदारी कि कितनी विफलताएं हैं, समाज की अपने तौर पर किस तरह की विफलताएं हैं, क्या उन नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आज है हमारे उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस। सायरन भी बज गया लंच के बाद का और आज 23 साल हो गए हमारा उत्तराखंड राज्य बने हुए। तो आज कुछ प्रोग्राम था हमारे बार हाउस में, बार एसोसिएशन की तरफ से, तो अभी हम वहाँ थे और यहाँ फूड फेस्टिवल लगा है फ्लैट्स में, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा वहाँ एक गाउन में उतार देती हूँ और फिर वापस हमें यहीं आना है क्योंकि कोर्ट में काम है और फिर यहाँ चीफ कोर्ट के नीचे भी कुछ फंक्शन रखा हुआ है, तो हम इस बारे में अभी आगे बात करेंगे आज अपने उत्तराखंड राज्य के बारे में। तो अभी लेके चलती हूँ आपको फूड फेस्टिवल। चलो गाउन तो उतार लो। तो वहाँ फ्लैट्स में वो टेंट दिख रहा है, वहाँ पर है फूड फेस्टिवल और ये छोलिया ड्रेस में आ रहे हैं लोग, इधर से लग रहा है खेल डांस वगैरह का प्रोग्राम हो चुका है और हम आ गए हैं फ्लैट्स में। और यहाँ पे हम थोड़ा लेट हो गए हैं, ये प्रोग्राम हो गया है क्लोज। तो हमारे साथ के अगर कोई आए होंगे तो मैं वीडियोस उनसे लेके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम थे, डांस वगैरह हो रहा था मेरे ख्याल से और फूड फेस्टिवल में फूड जो स्टॉल लगे हैं वो शायद इधर लगे हैं, तो हम इधर आए। तो ये आज के प्रोग्राम के वीडियोस हमें मिल गए हमारे एक दोस्त से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों का सम्मान करना चाहते हैं, उनको माल्यार्पण किया जा रहा है। अपन उसमें भी इस बार ने नृत्य किया था और जब यात्रा के पड़ाव नौटी से गिरा बधानी भूमकुंड और पशुपालन विभाग के नेतृत्व में उपस्थित है
कृषि विभाग नैनीताल डॉक्टर वी के एस यादव के नेतृत्व में उपस्थित हो रहा है। ये है उत्तराखंड का फेमस एप्पल आर्ट और उससे बने हुए कुछ चीजें। उत्तराखंडी व्यंजनों के साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी अभिमुख हो सकेंगे। आप सभी का स्वागत है। और ये देखे यहाँ पे फूड फेस्टिवल भी लगा हुआ है, सब जगह के स्टॉल लगे हुए हैं। ये देखे स्टर्लिंग रिजॉर्ट जोकिया के एम बी एन, ये है नैनी रिट्रीट, ग्रैंड होटल एशडेल, और देखिए लोकल प्रोडक्ट्स शैली आर्ट्स का। अभी देखते हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है। तो पेस्ट्री खाते हैं ये। और यह है मडवे की बालूशाही, यह है 50 की और 50 की वाली पेस्ट्री। मुझे कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था अभी। वो जो ये सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं वो सारे नैनीताल के होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह के फूड स्टॉल्स हैं, और सारे ही पहाड़ी खाने के फूड स्टॉल्स हैं। और इनके बीच मुझे लग रहा है कि शायद कॉम्पिटिशन भी होगा आज। देखिए यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ी खाना है, बगल में ही पहाड़ी खाना है, पहाड़ी भात, पहाड़ी मटन और भट की चुड़कानी। यह है अनुपम रेस्टोरेंट का, यह है विक्रम विंटेज का। और लोग देखिए स्टर्लिंग रिजॉर्ट जोखिया का है जो हमारे घर के रास्ते में पड़ता है। और इन्होंने लिया है मटन चावल अनुपम का, मीट भात नहीं, मीट भात मटन ही तो है। तो कैसा टेस्ट है, ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं है? ठीक है। मैं वेज में सोच रही थी मैं क्या खाऊं, तो मैं भी देखती हूँ। यहाँ पे वेज थाली है, मडवे की पूरी, ये तो खैर नॉन वेज है और उधर वेज है, थाली करा दी। और अब ये भी ले आई है मडवे की पूरी और झिंगोरे के चावल, पहाड़ी थाली। मैंने भी खा लिया है, मैंने अपना वेज फूड खा लिया और शिफ्ट चले गए कोर्ट, क्योंकि 3 बजे उनका डीबी में मैटर आने वाला था तो उन्हें जल्दी से पहुंचना था। और मैंने थोड़ी देर में खाना लिया था तो मुझे टाइम लगता, तो मैंने बोला कि आप चले जाओ खाली, आप लेट हो जाओगे, मैं आती हूँ आराम से। तो अच्छा था खाना, काफ़ी टेस्टी था। मुझे मडवे की पूड़ी और पालक की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी, उसमें गडेरी भी थी, गडेरी मैं खाती नहीं, और रायता बहुत ज़्यादा स्पाइसी था तो थोड़ा सा रायता लिया मैंने, और पालक तो पूरा खाया। और झिंगूरे की का चावल था, उसकी खीर भी बनती है बहुत बढ़िया, ये भी एक पहाड़ी आइटम है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे फूड फेस्टिवल में, हमेशा सोचती थी आऊँगी, ये उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर ही लगता है, और आज आ ही गए थोड़ा सा टाइम निकाल के। अब नेक्स्ट टाइम बहुत और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो भागते भागते कोर्ट से ही आए थे तो काफ़ी सारी भीड़ थी, शायद पहले ज़्यादा भीड़ रही होगी, अभी थोड़ा धीरे धीरे कम हो रही थी। मैं सभी रास्ते में हूँ, बहुत टफ है नैनीताल की चढ़ाई, पैदल ही जा रही हूँ कोर्ट की तरफ। बहुत टेस्टी खाना था, खास करके मडवे की पूरी और पालक की सब्जी, और रायता भी अच्छा था। तो अब मैं पहुँच गई हूँ कोर्ट, वैसे इतनी ठंड है लेकिन जल्दी जल्दी इतना गर्म होने लग जाता है, फ्लैट से यहाँ पूरा हाई कोर्ट तक पैदल आने में हालत खराब हो जाती है। तो मैं ये कह रही थी उत्तराखंड राज्य को बने हुए 30 साल हो गए हैं, जो हाईकोर्ट की शिफ्टिंग की बातें चल रही है उन पर विराम लगाए जाए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य बना इसीलिए था कि पहाड़ों की तरफ ध्यान दिया जाए। और अगर सभी पलायन कर लेंगे, राजधानी तो ऑलरेडी देहरादून में बन गई है, अगर कोर्ट भी प्लेन्स में शिफ्ट कर देंगे तो फिर पहाड़ में क्या रह जाएगा? जॉब फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ सब कुछ प्लेन्स में है,
तो अपने पहाड़ में रहेगा क्या, लोग पलायन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो पलायन की जगह अगर सुविधाएं दी जाए तो बेहतर रहेगा। 700 से ज़्यादा जो हमारे गांव हैं, विलेज जो हमारे हैं, गोस्ट विलेज घोषित किए जा चुके हैं, क्योंकि लोग वहाँ सब गांव छोड़ के जा चुके हैं। फिर आज कोर्ट में 4:30 बजे एक प्रोग्राम था, उसमें सारे जजेस आए थे और एडवोकेट्स थे, विचार गोष्ठी टाइप की थी और फिर हाईटी थी, उसके बाद सब अपने घर चले गए थे। तो मैं आज ही आपसे कहना चाहूँगी कि आप सभी को उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम सभी को विचार करना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड राज्य कैसे आगे बढ़े। अगर सभी पलायन कर लेंगे और अपना गांव छोड़ के चले जाएंगे, अपनी जगह छोड़ के चले जाएंगे, बाहर वालों को अपनी ज़मीनें बेच देंगे, उसमें वो लोग रिजॉर्ट्स बनाएंगे और वो रोज़गार करेंगे, और हम अपने गांवों को दूसरे को सौंप के चले जाएंगे, तो हमारा विकास कैसे होगा। अब तो सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, होम स्टे खोल सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेन बात है कि अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर हमारे पहाड़ों में हो जाएँ और अच्छी सड़कें हो जाएँ, मतलब ज़्यादा पहाड़ काटने की तो ज़रूरत भी नहीं है, जो सड़क है उसको ही अच्छी, उसमें ही सुधार किया जाए। और जो परियोजनाएं चल रही हैं बाहर, आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से सड़कें बनती हैं और कितने अच्छे से काम होता है, हमारे पहाड़ों में भी तो हो सकता है, पहाड़ों की तरफ ध्यान दिया जाए तो बहुत। और उत्तराखंड राज्य बना ही इसलिए था क्योंकि उत्तराखंड की तरफ ध्यान दिया जाए, उत्तराखंड को विकास विकसित किया जाए। अगर उस तरफ ध्यान ही नहीं देंगे तो फ़ायदा ही क्या है। और देखिए हमारा कोर्ट कितना जगमग चमक रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा राज्य और आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।